एक और बहुत ही अमेजिंग स्नीकर की वीडियो देखकर, जहां पर आपके बहुत ज्यादा तगड़े रिक्वेस्ट के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं बूढ़ा जींस को स्नीकर्स लेकर। तो फटाफट इस कंपनी को रिव्यू करते हैं और आपकी डिमांड को फुलफिल करते हैं। फटाफट चलता है वीडियो की तरफ। और पहला बॉक्स आ गया हमारे पास में बूढ़ा जींस को, यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो कंपनी है ना, सिर्फ और सिर्फ अजियो पे अपने जूते सेल करती है। और एक्चुअल में जब आप इनके पिक्चर्स देखोगे ना जूते के, लगता भाई क्या लॉटरी लग्जरी लग गई है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है नहीं है, लेना चाहिए नहीं। बॉक्स की क्वालिटी की बात करें, हल्का फुल्का डैमेज हो गया था बॉक्स, जो कि सारे जूतों के साथ होता है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2899, इतना को पे नहीं कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात क्या है ना इस जूते की, वो मैं आपको खैर चलो आगे जाके बताता हूँ। ऑलराइट, सर जूता आ गया हमारे पास में। एक नजर में देखोगे ना एक्चुअल में ना भाई, जूता दूर से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अंदर में आपको ऐसे करके फोम मिल जाता है जो एक्चुअली इसके जूते के शेप को मेंटेन रखता है। थर्माकोल का पीस यहाँ पर दिया हुआ भाई। जूते की अपर बॉडी ना ही सिंथेटिक लेदर ना ही पीयू लेदर, बल्कि रेक्सीन से बनाई गई है। राइट साइड में आपको छेद मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए, स्टिचिंग्स के थ्रू डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, मेटल कैलेट्स मिल जाएंगे, व्हाइट कलर के लेस मिल जाएंगे। रंग के नाम पर भी सेम वही फैब्रिक यहाँ पर डाला गया है, कोई भी कुशनिंग इसमें नहीं दी गई है। राइट साइड में आपको हल्की हल्की कुशनिंग मिलेगी जो की अच्छी है, सॉफ्ट है। एंड अंदर में इसका भाई इनर सोल फटाफट निकालते हैं जो की बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एक्चुअल में थिक मोटा सा फोम दिया गया है, हल्के हल्के बम्प्स दिए गए हैं ग्रिपनेस के लिए, और बूढ़ा जींस को की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आउटर सोल की बात करें तो इसमें पीवीसी सोल आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली पीवीसी प्लास्टिक होता है, तो रबर प्लास्टिक टाइप का ना इसमें मटेरियल यूज किया गया है, जो कि दबाने से भाई कुशन उशन तो ठीक ठाक है। नीचे हल्के फुल्के ग्रिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल पैरों में पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो। देखो जूता देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन जूते में क्या है ना, इसकी प्राइसिंग। लिटरली अभी अजियो पे 2460 रुपए मिल रहा है, मैंने इसे खरीदा था 1400 रुपए में। लगभग 1000 रुपए का गैप आ चुका है इसमें, और मटेरियल एंड क्वालिटी ना बहुत ही ज्यादा चीप है। अगर ये जूता 1000 रुपए के अंदर में मिल जाता ना तो बहुत ज्यादा अच्छा मैं इसे कहता, लेकिन भाई ये अभी सपना लग रहा है। और भी इसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो मैं आगे वाले जूते में डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, सेम वही बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई भाई 3699। फटाफट निकालते हैं जूते को। नेक्स्ट जूते की बात करें तो सेम आपको इसमें भी शू शेपर मिल जाएगा, ब्लैक कलर की पूरी बॉडी है इसकी। हेक्सोन मेरा भाई, दूर से देखोगे ना तो सारे जूते सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाए हैं इन्होंने। इन्होंने ना वो जान के आपको दिमाग खराब होगा। अपर बॉडी की बात करें, पूरी नीटेड फैब्रिक से बनाई गई है, मल्टीपल आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। हल्के हल्के ना व्हाइट कलर की नीटिंग की गई, जिसे ना डॉट डॉट जैसे स्टार्स जैसे फीलिंग आ रही है। फ्रंट में आपको सिंथेटिक स्वेट लेदर का पैच मिलेगा, साइड साइड में आपको रबर के बहुत सारे पैचेस मिलेंगे। और फ्रंट में ये जो सिल्वर वाला पार्ट देख रहे हो ना लेस के साइड साइड में, ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। उसी के ऊपर आपको सेम वही सिंथेटिक लेदर का पैच मिलेगा, ब्लैक कलर के राउंड लेस आपको देखने को मिलेंगे। पीछे एक फुल टैप आपको मिल जाएगा, और डिजाइन के लिए ना एक और ऐसा फ्लैप जैसा बनाया गया है। टंग की बात करें, पूरा मेश का टंग आपको उसमें देखने को मिलता है। ऊपर में आपको सेम और एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल का पैच मिलेगा, जिसके ऊपर आपको एक फुल टैप मिल जाता है। साइड की पैडिंग वैडिंग डिसेंट है, कॉलर कट की आप लुक देख सकते हो। इनर सोल की बात करते हैं, फटाफट इसे निकालते हैं अंदर से। और भाई इनसोल के साथ साथ ना इसका सॉक लाइनर भी निकल गया है। यहाँ पर फोम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। एक्चुअली इसमें छोटा सा डायनासोर का पैर यहाँ पर बना दिया गया, जो कि खूबसूरत लग रहा है। बूढ़ा जींस की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, ठीक ठाक है, लेकिन भाई ई का है, ई ठीक नहीं है। इसका ऐसे पट 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 खेलू क्या। और अंदर में देख लो, बहुत सारी अंदर में आपको कटोरिया मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने टिफिन सुफिन को रख के, अंदर में पूड़ियां भाजियां ऐसा रख के पैर को साथ में लेकर जा सकते हो। जब निकाले तो खा भी सकते हो, सुगंध भी आ जाएगी आपके सॉक्स के थ्रू, है ना ब्रो। साले तू आउटर सोल की बात करें तो इसमें टीपीआर सोल यूज हुआ है, ऐसा बोलती है ये कंपनी। बात करें तो अच्छी क्वालिटी का सोल है। नीचे में आपको ग्रिप्स मिल जाएंगे, बीच में आपको फोम मिलता है, जिसको आप छू के एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक्चुअल में इसका फोम कैसा है। मैं कहूंगा ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जूते के आउटर सोल में बड़ा ही ना स्टिकी टाइप का मटेरियल है। देखो जैसे इसमें कागज लपेट के रखा गया था बॉक्स में, वो कागज वागज इसमें चिपक गए हैं, डस्ट बहुत ज्यादा चपकता है इसमें। एंड ओवरऑल यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि दिखने में ओवरऑल दूर से ना ये जूते सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये भाई बना हुआ है चाइना में, वही हरकत हो गई चाइना वाली, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अब इस वाहियात चीज के बाद हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो कि इससे भी ज्यादा है। इसके एक्चुअल एमआरपी मैंने आपको बताई 3700 रुपए है, ये बेच भी रही है अजियो में 3700 में। हालांकि अगर आप अजियो में डिस्काउंट लगाओगे ना तो ये आपको 3100 में मिल जाएगा, और मैंने कितने में खरीदा 1800 रुपए में। डिस्काउंट हो रहा था एकदम और उठ रहा एकदम। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, बूढ़ा जींस का सेम आपको बॉक्स मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई भाई 3699। आपको पे नहीं करना, फटाफट निकालते जूते को। देखो सारे जूते ऐसे बंधन में जुड़े हुए थे, एक चाइना है दूसरा अजियो है, और बीच में गांठ में फंस रहे हम लोग। खैर फिर से एक्सप्लेन करते हैं आपको। ऑलराइट, सो जूता आ गया हमारे पास में, सेम शू शेपर आपको देखने को मिलेगा। दूर से फिर से वापस से भाई बहु
बहुत गजब लग रहा है। और इस अपर बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी मेश बनाई गई है, ब्लैक कलर का ओवरऑल मेश यूज किया गया है, लेकिन ज्यादा आपको मेश देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल बॉडी पे ना रबर का काम किया गया है, एक्चुअल में ना डिजाइन जबरदस्त लग रहा है। वही बैक में देखोगे तो आपको एक ऐसा चमकीला भमकीला टाइप का मिथुन चक्रवर्ती का जो ड्रेस था ना, आई एम अ डिस्को डांसर, उसका पीस काट के ऐसा करके यहां पे लगाया गया। फुल टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, सेम फ्लैप आपको देखने को मिलेगा, राउंड लेस आपको देखने को मिल जाएगा। टंग की बात करें, एकदम पतली क्वालिटी का मेश इसमें यूज किया गया, जिसके ऊपर आपको लेदर पैच मिलेगा, एक फुल टाइप मिल जाएगा, साइड की पैडिंग वाइडिंग ठीक ठाक है, एकदम ना ये जूता ना एकदम मीशो की याद दिला रहा मुझे। इनसोल की बात करें भाई, बहुत अच्छा इनसोल इसमें दिया गया, एक्चुअल में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बुरा जींस को यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, इधर उधर छितर रही है और वापस से वही अंदर में आपको घिसा पीटा टाइप का लुक मिलेगा। प्राइस जितना ले रही है ना ब्रांड, कहीं से भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे जूते देखे सस्ते, लेकिन ये एक्चुअल में ना दिखाता है कि हाँ मैं देखो सस्ता हूँ। अजीब से हल्के हल्के आपको टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये भी सेम पीवीसी सोल से बना हुआ, यानी पीवीसी यानी प्लास्टिक, हर कोई जानता भाई पीवीसी पाइप जानते हो ना, प्लास्टिक से बना होता है। ये जैसे पता ही नहीं था मैं। मिल रहा है जियो पे 3100 रुपए में, लेकिन हमने भाई से खरीदा था ऑलमोस्ट 1800 रुपए के आसपास में। ओवरऑल देखो पैरों में पहनने में कैसा लग रहा है, ये सारी चीज आप पीछे देख लो, चाइना की हरकत, ये आप समझ सकते हो भाई अजियो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे को नहीं पता। अगर आपको ये वर्थ इट लगता है आप इसके लिए जा सकते हो, मेरा सजेशन है मत जाओ। और नेक्स्ट बुलेट जींस का डब्बा आ गया हमारे पास में, प्राइसिंग यहां पर सेम 3499 था, आपको पे नहीं करना है। और बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता, एंड वन ऑफ माय फेवरेट जूता इस पूरे हॉल का, जो कि थोड़ा ढंग ढंग का लग रहा था। अगर इसके भी डिजाइनिंग की बात करें, खतरनाक मस्त लग रहा भाई, और इसीलिए ना आप भी इतना ज्यादा एक्साइट हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई इसकी जूते लाओ, इसके जूते लाओ, मेरे को पता था कि कुछ ऐसी क्वालिटी निकलने वाली है। और अगर कलर की बात करें, पूरा व्हाइट कलर का जूता है, कहीं कहीं पे आपको येलो कलर का काम मिलेगा, पूरी बॉडी नीटेड फैब्रिक से बनाई गई है, मल्टीपल पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्योर लेदर के हैं फ्रंट में, और कहीं भी आपको थोड़ा थोड़ा अगर ग्रे पार्ट मिलेगा ना तो वो इसमें रिफ्लेक्टिव मटेरियल डाला गया है, जो कि एक्चुअली ना थोड़ा अच्छा लगता है जूतों में। जूते ये साइड साइड में फ्रंट के पास में ना आपको ऐसे करके प्लास्टिक के पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट है एंड क्वालिटी बिल्कुल पतली है। अभी आपने थोड़ी मोटी वाली बरसाती पहनी होगी ना रेनकोट, एग्जैक्टली वैसी टाइप का मटेरियल लगता है। ठीक उसके पीछे आपको रबर पैच मिल जाएगा व्हाइट कलर का, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उसमें ऐसे करके डक 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 टाइप के आपको ऐसे टेक्सचर मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअली खुजाने में बहुत ज्यादा काम आते भाई, मजा आता है, खर 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 लगता है। और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा पतली है। अभी ये मैं पतली पतली इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि जब मैं इसे पहन रहा था लेस टाइट करते वक्त ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर में, ऐसा लग रहा था ना खींचूंगा तो टुक से कट जाएगा। व्हाइट कलर का इसमें आपको लेस देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको एक येलो कलर का पैच मिलता है टेक्सटाइल फैब्रिक का, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई, व्हाइट कलर के ऊपर ना मस्त स्टैंड आउट कर रहा है। पीछे आपको एक बुल्टा मिल जाएगा, पीछे लेदर का पैच मिलेगा, अंदर के अगर कुशनिंग उशनिंग की बात करें ना उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनसोल की बात करें बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी भाई, ये अंदर रह गया, खींच दिया इसी। बहुत सारे आपको छेद देखने को मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। ये इनसोल याद रखिए हमने पहले भी देखा हुआ है अर्बनोर के जूतों में, अगर आपको याद है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो। सेम आपको टेक्सटाइल फैब्रिक पर मिलेगा, बुडा जींस की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी, अंदर का फिर से वापस वही है, देखो हल्का सा पीला सा गम लगाया इसमें और इसे चिपका दिया। अंदर में अगर देखोगे ना भाई, इसका लाइनर ना बस यही तक है, ऊपर उसके बाद ना कुछ और ही है, बहुत ज्यादा घपला है भाई, बाटे में घपला है। मेड इन चाइना इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आउटर सोल की बात करें, थोड़ा सा चंग इसमें दिया गया है, पीछे आपको मस्टर्ड येलो कलर का ऐसा करके पैच मिलता है, जो कि खूबसूरत लग रहा है, डिजाइनिंग का पार्ट है। पीवीसी सोल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, मैंने इसके ऑलरेडी बहुत ज्यादा तारीफें कर दी। नीचे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगे। ओवरऑल डिजाइन के मामले में बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है, पहनने में भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था। हालांकि साइजिंग में भी क्या इश्यू आ रही थी कि जो भी मैं साइज ले रहा हूं ना एग्जैक्ट, उससे थोड़ा सा ना पैर टाइट हो रहा था, क्योंकि देखो मैं 9 पहनता हूं, मैंने 9 नंबर के जूते मंगाए, लेकिन थोड़ा सा टाइट हो रहा था, हल्का हल्का ना छोटा होता है इनके साइजिंग से, प्रॉपर साइजिंग इसकी नहीं है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ओवरऑल ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो, डेफिनेटली स्टाइल के मामले में टॉप नॉच है। अगर आप सिर्फ स्टाइल के लिए जूते पहनना चाहते हो ना, जबरदस्त है, लेकिन प्राइस सुन लो 3500 इसके एमआरपी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप एजियो पे डिस्काउंट लगाओगे ना तो ये आपको 2900 रुपए में मिलेगा। और हमने भाई उस टाइम खरीदा था जब भी मैंने इसको ऑर्डर किया था 1700 रुपए में। भाई अगर आप 2900 खर्च करना चाह रहे हो ना, लिटरली बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो मेक श्योर कि ना खरीदे इतना महंगा। ऑलराइट नेक्स्ट बुटा जींस का लास्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में, सेम प्राइसिंग अप्लाई की हुई 3499। आपको पहनने का फटाफट निकालते जूते का, और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला जूता, जो कि बस दिखेगा थोड़ा भाई ठक ठुक ठुक टक आएगा ना भाई, प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। सेम शू शेप आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी इसकी बॉडी मेश से बनाई गई है, ब्लैक कलर के आपको लेदर पैचेस देखने को मिलेंगे जो कि पीयू वाले हैं, और साइड साइड में आपको रबर की भी बहुत सारे पैचेस मिलेंगे। डिजाइनिंग के नाम पे ना बहुत तगड़ा काम कर रही है कंपनी, ये बात तो बोलने वाली है। कहीं पे ब्लू कहीं पे ग्रीन आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे ये वाला जो पैच है ना सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेस के साइड साइड में आपको लेदर के पैचेस मिलते हैं, जिसके थ्रू आपका लेस का जो होल का जो स्ट्रेंथ है ना वो एकदम मस्त हो जाएगा। ब्लैक कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएगा, मेश का पूरा टंग मिलेगा, व्हाइट कलर का आपको उसमें पैच मिलेगा, जिसके ऊपर ग्रीन कलर का आपको पुल टैप मिलता है, पीछे आपको ब्लैक कलर का पुल टैप मिलेगा, साइड साइड की पैडिंग वाइडिंग अच्छी है। इनसोल इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा तगड़ा है, जो कि चिपका हुआ है, थोड़ा सा निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन सेम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बुरा जींस को यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, व्हाइट कलर का आउटर सोल
मिलता है। चंक सोल इसमें दिया गया, सेम पीवीसी मटेरियल का है, जैसा व्हाइट वाले का सोल था ना एग्जैक्ट सोल इसमें बनाया गया, बस ऊपर की डिजाइनिंग चेंज की गई है। यहाँ पे ग्रीन है, वहाँ पे येलो है। ओवरऑल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है। पैरों में पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। बात वहीं पे वापस आके अटकती है कि अगर आप सिर्फ डिजाइन के लिए से खरीद रहे हो तो डिसेंट कंफर्ट आपको मिल जाएगा। डिजाइन तो अच्छी है ही, लेकिन ओवरऑल दिखने में थोड़ा चीप तो लगता है जूता। 3500 रुपए इसके एमआरपी मैंने आपको बता दी। अजियो इसे बेच रही है 3100 रुपए में, लेकिन हमने इसे खरीदा था अगेन 1700 रुपए में। 1700 में शायद आप बहुत सारे लोग ले भी लेते, भाई 3100 में कौन ही लेगा भाई, एक से एक जूता आ जाता है 3100 रुपए में। आई होप आपको मेरी ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छी लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में फॉलो करना ना भूले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।